रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत अब तक बांटे 6,00,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स। भारत की तीनों सेनाओं की बढ़ती शक्ति। भारत अमेरिका से खरीदेगा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान डील पर बातचीत। भारत अमेरिका से खरीदेगा MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन। आसमान में निगरानी और जबरदस्त मारक क्षमता रखते हैं ये ड्रोन्स। पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनाती। गृहमंत्री अमित शाह आज अमृतसर जाएंगे। अमृतसर में शाह उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 22 सितंबर को 9 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेंगे। हिमाचल के किन्नौर पहुंचे हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जवानों से मुलाकात। यूपी ट्रेड फेयर एक्सपो में सर्वोकोन ने लगाई अपने बड़े प्रोडक्शन की प्रदर्शनी। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम को एक और सफलता। भारतीय हॉकी टीम ने सिंगापुर को 16-1 से हराया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट की जारी। 39 नामों का ऐलान। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कावेरी विवाद को लेकर आज प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु बंद का किया आह्वान। प्रदर्शनकारी तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के करनाल में साइक्लोथॉन का आयोजन। नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम। धार्मिक यात्रा करने वाले उनके लिए समस्तीपुर से आई खुशखबरी। श्रद्धालुओं की बढ़ी मांग को देखते हुए दरभंगा से अजमेर जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की बढ़ाए गए फेरे। गोपालगंज में बिहार पुलिस की अनोखी पहल। घर घर जाकर लोगों की समस्या पूछ रही है पुलिस। श्रीनगर में युवाओं को दिया जा रहा कौशल विकास प्रशिक्षण। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स का आयोजन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक। मिशन शक्ति को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नवरात्रि के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अतिरिक्त महिला एसएचओ की होगी तैनाती। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अहम घोषणा। राज्य के होटल्स रेस्टोरेंट बार में ग्राहकों को नहीं परोसा जाएगा हुक्का। तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी भगवान गणेश की मूर्तियों को हुसैन सागर झील में नहीं किया जाएगा विसर्जित। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच देखा कुदरत का मनमोहक नजारा। जीवंत हुआ एलोरा की गुफाओं के ऊपर झरना। तमिलनाडु के वेल्लोर में झमाझम बारिश। कई इलाकों में जल भराव। अक्षय कुमार ने अपनी बेटी निदारा के जन्मदिन पर एक स्पेशल वीडियो किया शेयर। वीडियो में निदारा पापा संग समुद्र में मस्ती करते हुए नजर आई। सलमान खान की भांजी अलीजे अग्निहोत्री जल्द ही करेंगी एक्टिंग डेब्यू। चिली का विलारिका ज्वालामुखी फिर से हुआ सक्रिय। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी।